बात करते हैं उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए। मतगणना लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। 89 विकास खंडों में वोटों की गिनती की जा रही है और खास बात यह है कि सीसीटीवी की निगरानी में वोटों की गिनती हो रही है। गांव की सरकार बनने जा रही है और 89 विकास खंडों में वोटों की गिनती लगातार जारी है। बेसब्री से इंतजार है न सिर्फ प्रत्याशियों को बल्कि लोगों को भी जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। करीब 30 लाख से ज्यादा बैलेट पेपर की काउंटिंग की जा रही है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना की शुरुआत हुई और लगभग 2 घंटे होने जा रहे हैं कुछ मिनटों के बाद। तो 89 विकास खंडों को वोटों की गिनती यहां पर लगातार जारी है सुबह 8 बजे से। कुलदीप नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से, जी मीडिया संवाददाता। कुलदीप, लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, क्या कोई रुझान सामने आया है? देखिए, बिल्कुल 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और धीरे धीरे करके अब जो रुझान है वो भी निकलना शुरू हो गए हैं। शुरुआती दौर में जिला पंचायत तो खैर सबसे बाद में आएगा, लेकिन जो ग्राम प्रधान है उनके नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। कुछ जो इस वक्त रायपुर ब्लॉक में मैं हूँ, रायपुर ब्लॉक में ग्राम प्रधानों की जो कुछ सीटें थी जिनमें की जो वोटर्स थे उनकी संख्या तकरीबन 400 से 500 के बीच थी, तो ऐसे ग्राम पंचायतों के जो परिणाम है वो आना शुरू हो गए। हालांकि इनको जो अभी सर्टिफिकेट मिलेगा वो बाद में मिलेगा, लेकिन जो काउंटिंग है वो काउंटिंग करीब करीब इनमें हो चुकी है। बाकी जहां तक बात है क्षेत्र पंचायत सदस्य की, उसके भी कुछ जगह के नतीजे वो आ गए हैं और अभी जिला पंचायत, क्योंकि ये जिला पंचायत का दायरा बड़ा है तो जिला पंचायत के रुझान फिलहाल अभी नहीं आए हैं। वो सबसे आखिरी में आने का अनुमान है कि वो जो जिला पंचायत के चुनाव के नतीजे होंगे वो सबसे आखिरी में आएंगे, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती दौर है इसमें ग्राम प्रधान के जो चुनाव है, ग्राम प्रधान के लिए जो मतदान हुआ था उसके जो नतीजे आने हैं वो शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, तो क्या उन नतीजों का ऐलान किया गया है या इंतजार किया जा रहा है कि सभी नतीजों का एक साथ ऐलान किया जाए? देखिए, फिलहाल इंतजार किया जा रहा है क्योंकि जितने भी काउंटिंग एजेंट्स थे, जो भी यहाँ बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर की काउंटिंग हो रही है, जितने भी टेबल बनाई गई हैं तो वो टेबल में काउंटिंग जो है वो चल रही है और करीब करीब कुछ में जिस भी ग्राम प्रधान के जो प्रत्याशी थे तो उनकी काउंटिंग करीब करीब हो चुकी है। वो ऐसे ग्राम पंचायतों की काउंटिंग पूरी हुई है जिनमें की जो वोटर्स थे वो कम थे, तो वहां पर अभी डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ है लेकिन औपचारिक जो तरीके से कैंडिडेट को अपना फाइनल ये हो चुका है कि वो वहां से चुनाव जीत चुके हैं। सर्टिफिकेट उन्हें फिलहाल बाद में मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन कुलदीप, ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं, 3 चरणों में संपन्न हुए और अब आज परिणाम का दिन है, तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच एक उत्सुकता भी है और लोग जानना भी चाहते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन आप बने रहे कुलदीप हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। पंचायत चुनाव का पहला नतीजा घोषित किया गया है। विकासखंड गरुड़ में ग्राम प्रधान का नतीजा घोषित किया है, जिन खोल से मंजू देवी चुनाव जीती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहला नतीजा सामने आ गया है जिन खोल से, जहां मंजू देवी ने चुनाव जीता है। बागेश्वर के क्षेत्र में पंचायत चुनाव का पहला नतीजा सामने आ गया है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला नतीजा सामने आया। बागेश्वर के विकासखंड गरुड़ में जिरखोल से मंजू देवी ने चुनाव जीता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्राम प्रधान का यह नतीजा है जिसे घोषित किया गया है। जिरखोल से मंजू देवी चुनाव जीत चुकी हैं, पहला नतीजा सामने आया है। आज परिणाम का दिन है और पहला नतीजा बागेश्वर से सामने आया है, जहां विकासखंड गरुड़ में ग्राम प्रधान का नतीजा घोषित किया गया है। संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता बागेश्वर से। संतोष, क्या है जानकारी? संतोष, आवाज मिल पा रही है? हेलो जी, क्या जानकारी, क्या खबर मिल रही है? मंजू देवी जीत गई है जी। सबसे पहले तो परिणाम है गरुड़ विकासखंड से आया है, जिसमें एक ग्राम प्रधान को विजय घोषित किया गया है। बागेश्वर के तीनों विकासखंडों में मतगणना का काम सुबह से जारी है। पहले चरण में यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम प्रधान के परिणाम पर की मतपेटियां खोली जाएंगी और सभी जगह चार सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अभी धीरे धीरे जैसे दिन चलेगा वह दिन आगे ऊपर बढ़ते चढ़ते जाएगा, वैसे परिणाम घोषित किए जाएंगे। अभी फिलहाल अभी ये अपडेट है कि पहला ग्राम प्रधान का चुनाव का परिणाम घोषित किया गया है। जी बिल्कुल, तो अभी और भी कई ऐसे ग्राम प्रधान होंगे जिनके नतीजे आने बाकी होंगे, वहां पर काउंटिंग की जा रही है, कब तक ये सारे नतीजे आ सकते हैं?
जी अभी अभी 8 बजे से मतगणना सुबह शुरू हो गई थी, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि 10 बजे तक कम से कम 20% ग्राम प्रधानों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जी संतोष, किस तरह की तैयारी की गई है और किस तरह की काउंटिंग हो रही है? जी सुबह से जो काउंटिंग का हमने जायजा लिया, बागेश्वर विकास खंड में महाविद्यालय में सभागार में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रेक्षक की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम से मतपेटियां निकाली गई। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की अगर बागेश्वर विकास खंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 24 टेबल लगाए गए हैं और उम्मीद की जा रही है क्योंकि संख्या काफी ज्यादा है तो देर रात तक काउंटिंग होने की संभावना है। अगर गरुड़ विकास खंड की बात करें तो वहाँ 10 टेबल लगाई गई है, हालांकि वहाँ 5 चरणों में चुनाव जो मतगणना होगी वो किए जाएंगे। बागेश्वर में 9 चरणों में मतगणना की जानी है और कपकोट विकासखंड की बात करें तो वहाँ पर 10 टेबल लगाए गए हैं और सुबह से मतगणना काम तेजी गति से किया जा रहा है। शुक्रिया आपका संतोष, आप नजर बनाए रखें, आपके पास दोबारा भी लौटेंगे कुछ और जानकारी के लिए। तो जिनखोल से मंजू देवी ने चुनाव जीता है, ग्राम प्रधान का ये चुनाव उन्होंने जीत लिया है। पहला नतीजा उत्तराखंड त्रिस्तरीय चुनाव का सामने आ गया है और कुलदीप नेगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राजधानी देहरादून से। कुलदीप, पहला नतीजा भी सामने आ गया है और अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा और भी नतीजे सामने आएंगे। देखिए बिल्कुल, शुरुआती दौर में ग्राम प्रधानों की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर चल रही थी और उसी के साथ जैसे बागेश्वर में पहला नतीजा घोषित कर दिया गया है, हालांकि देहरादून या फिर और भी जिलों में जहाँ पर भी काउंटिंग हो रही है वहाँ पे शुरुआती दौर में जो ग्राम प्रधान के लिए काउंटिंग हो रही थी वो करीब करीब कुछ तस्वीर साफ भी हो चुकी है। हालांकि देहरादून में भी डिक्लेरेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा काउंटिंग आगे बढ़ती चली जाएगी। चूंकि मैनुअल प्रोसेस है तो ऐसे में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सबसे आखिरी में जो नतीजे आएंगे वो जिला पंचायत सदस्य के जो नतीजे हैं वो आएंगे। तकरीबन 356 जिला पंचायत सदस्य पूरे प्रदेश में हैं। इसी तरीके से अगर हम ग्राम प्रधानों की बात करें तो 7485 पद जो हैं ग्राम प्रधान के हैं। तो नतीजों का आना शुरू हो चुका है और शुरुआती दौर में जो नतीजे आ रहे हैं वो ग्राम प्रधान के निकल रहे हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, लेकिन इंतजार जो है अगर चुनावी इस बेला में राजनीतिक दलों की बात की जाए तो इंतजार है जिला पंचायत सदस्यों को लेकर कि कौन किस पार्टी से कितने सदस्य जीत कर आ रहे हैं, वो इंतजार लंबा हो गया है। लेकिन देखिए बिल्कुल, जो राजनीतिक दलों की असल निगाह है वो जिला पंचायत सदस्य या फिर जो क्षेत्र पंचायत सदस्य उन पर है। खासतौर से जिला पंचायत सदस्य पर इसलिए भी है कि जो भी सत्ताधारी दल या विपक्ष है उनकी कोशिश यह रहती है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर किसका कब्जा रहे और इसी कोशिश में दोनों दल लगे हुए हैं। जो पूरी सीटें ओवरऑल स्टेट में प्रदेश में है वो 356 है, तो ऐसे में जिलेवार अगर हम बात करें तो कोशिश दोनों ही राजनीतिक दलों के जरिए की जा रही है कि जो भी जिताऊ यहाँ से प्रत्याशी निकल कर आ रहे हैं किस तरीके से उन्हें अपने तरफ किया जाए, क्योंकि वो ही इसमें जो वोटर्स होंगे जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव होगा तो वो इसमें वोटर्स होंगे, तो लिहाजा उन्हें अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश रहेगी और इसके लिए रणनीति भी उसी हिसाब से बनाई जाती है, रणनीति भी उसी हिसाब से तय की जाती है। अभी जिला पंचायतों के लिए आरक्षण जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर है वो आरक्षण भी जारी हो चुका है, तो लिहाजा जो भी राजनीतिक दल है वो उसी तरीके से अपने समीकरण भी बिठाने शुरू करेंगे और कर भी दिए हैं राजनीतिक दलों ने। बीजेपी ने अपने नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी हैं, अलग अलग ब्लॉक वाइज या फिर जिलों के हिसाब से भी जिम्मेदारियां सौंपी हैं, खासतौर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर। तो फिलहाल उसके जो जिला पंचायत सदस्य के नतीजे हैं वो आने में अभी वक्त जरूर लगेगा, लेकिन शुरुआत ग्राम प्रधानों के जो चुनाव नतीजे हैं उनसे शुरू हो चुकी है। हालांकि देहरादून में भी अब रिजल्ट है, उसका डिक्लेरेशन होना बाकी है ग्राम प्रधानों को लेकर। जी बिल्कुल, रिजल्ट सामने आना बाकी है। कुलदीप, जिस तरह से अब चूंकि परिणाम निकलकर सामने आने लगे हैं और धड़कने भी तेज हो गई हैं, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि जिला पंचायतों को लेकर आखिरी दौर में जो है चुनाव परिणाम सामने आएगा, लेकिन खास बात यह है कि दावा दोनों ही दलों के द्वारा किया गया है, चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस के द्वारा बात की जाए। बीजेपी का दावा इसलिए है क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि हमने कोशिश की, बूथ लेवल पर हमने काम किया और लगातार जमीनी स्तर पर हमने काम किया। कांग्रेस ये कह रही है कि नई रणनीति हमने बनाई और एक बार फिर से खड़े होंगे। तो चुनाव दोनों ही दलों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपने कैमरा सहयोगी से चाहूंगा अमरेश कैमरे को मूव करके दिखाएं कि कितने उत्सुक जो भी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी या उनके जो समर्थक हैं वो कितने उत्सुक हैं कि वहां पर जहां ये काउंटिंग हो रही है वहां वो पहुंच चुके हैं, बेसब्री से वो भी इंतजार कर रहे हैं। जहां तक बात अपने राजनीतिक दलों को लेकर की, इस बात में कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक दलों की हमेशा कोशिश होती है कि वो चुनाव लड़े, चुनाव को जीते भी, और चूंकि ये गांव की सरकार होती है, ग्राम पंचायत स्तर पर वो चाहते
चाहते हैं कि उनकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो, तो इसके लिए वो कोशिश भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, पूरे एफर्ट भी करते हैं। और एक तरीके से अगर निचले स्तर के चुनाव की बात करें, ग्राम प्रधान के चुनाव की बात करें, तो वो जो चुनाव होते हैं उसमें किसी भी राजनीतिक दल ने अपने जो प्रत्याशी या फिर उम्मीदवार एक तरीके से अधिकृत तौर पर नहीं उतारे हैं, क्योंकि सिंबल पर ये चुनाव नहीं होता है। लेकिन जिला पंचायत का जो चुनाव था सदस्य का, वहां पर जरूर अधिकृत अपने प्रत्याशी किए हैं, और उन अधिकृत प्रत्याशियों को जब पार्टी ने अधिकृत अपनी तरफ से किया, तो ये भी पार्टी के तमाम सारे नेताओं से उम्मीद की है कि उन्हीं को सपोर्ट किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा जो फोकस पार्टियों का अगर रहता है पंचायतों पर तो रहता है निचले स्तर पर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, लेकिन कोशिश उनकी रहती है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कौन कितने पदों पर अपना कब्जा कर पाता है। और चूंकि 12 जिलों में ये चुनाव हो रहे हैं, तो कोशिश दोनों ही राजनीतिक दलों की है कि दोनों ही दलों की कोशिश रही है जिला पंचायत अध्यक्ष पद का कि दोनों ही दल जो है ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव जीते, जिससे कि अध्यक्ष भी उन्हीं दलों का जुड़ के निकलकर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपके पास कुछ देर बाद और लौटेंगे। और जानकारी के लिए, तो उत्तराखंड पंचायत की परीक्षा का आज परिणाम का दिन है, लगातार मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से लगभग 2 घंटे गुजर चुके हैं और पहला रुझान भी सामने आ गया।